ये सामने आप अकेला पहाड़ देख रहे हो गाइस, इस पहाड़ पे है एक मंदिर, एक टेंपल है, और ये जो व्हाइट लाइन आप देख रहे हो ये इसके स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए। देखिए ये पूरा ऊपर चढ़ के जाना है हमको यहाँ से, ये यहीं से शुरू होता है ये ट्रैक पूरा। ये यहाँ का पार्किंग है, दत्त देवस्थान मठ है ऊपर हिल टॉप पे, और यहाँ पे पार्क वगैरह कर सकते हैं, वो ट्रैक करने के बाद ऊपर जो मंदिर लगता है वो तो बहुत ब्यूटीफुल है, मंदिर मठ जो भी आप कह लो, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, और अभी हमको रात को काम भी है। हाँ। है ना, काम मतलब वही जो हमने सेलिब्रेशंस करने, तो इसकी वजह से ज्यादा वक्त हम यहाँ पे नहीं दे सकते इन चीजों के। बालू मामा टेम्पल पे हम जाते हैं जब, तो ये जो रास्ते में बहुत सारे मंदिर लगते हैं और जिनका अपने आप में एक अलग महत्व है, ऐसे बहुत सारे मंदिर दिखेंगे आपको यहाँ पे। मुझे तो लगता है ये हमारी टेम्पल सीरीज होने वाली है। हाँ, मतलब वाड़ी से ज्यादा दूर ये है नहीं, 60-70 किलोमीटर है, लेकिन इसी रेंज में आपको इतना घूमने के लिए चीजें है कि 2-4 दिन आपको वहां तक पहुंचते हुए ही लग जाएंगे। और वहाँ तो अलग ही है, वो अभी हम आगे करेंगे ही वो सारी चीज, है ना। ये देखिए, ये है हाल सिद्धनाथ अप्पाचीवाड़ी, ये गांव है, इस गांव का नाम ही है ये अप्पाचीवाड़ी, और यहाँ पे ये टेंपल है। तो आगे वो टेंपल में जाने के लिए हमको अभी 4 किलोमीटर है, ये कमान के बाद 4 किलोमीटर हमको अंदर जाना होता है। आज वर्किंग डे होने की वजह भी यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी मात्रा में भीड़ है। अभी यहाँ तो कार से सिर्फ, आगे आपको बाइक्स और बसेस भी देखने को मिल जाएंगे। ये यहाँ का है समाधि घुमट मंदिर गाइस। यहाँ पे आप देखें तो सिर्फ लोकल लोग ही नहीं, बाहर से भी लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे हम आए एंट्री करते हुए आपको भी ये मिला है। ये मेन यहाँ पे आप इनको फोटो देख सकते हैं, तो ये इनका मंदिर है श्री हर सिद्धि। ये हम आ चुके हैं अभी बालू मामा टेम्पल, यहाँ पे भीड़ कितनी मात्रा में आप देख सकते हो। यहाँ का ये पूरा मार्केट है, यहाँ पे आप ये घोंगड़ी का ज्यादा देख सकते हो, ये सारे ही इधर आपको ये घोंगड़ी मिल जाएगी। यहाँ से है मुख दर्शन, ये है मेन टेंपल, और यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है आप देख सकते हो सिर्फ मुख दर्शन के लिए। मेनली धनगर समाज के वो संत थे, लेकिन सारे ही लोग उनको मानते हैं, है ना, मतलब सारे ही प्लेसेस के लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे विजिट करते हैं। यहाँ पे है मेन मंदिर, सामने है यहाँ पे भक्त निवास,
यहाँ पे हम रह सकते हैं। और ये मंदिर 10 बजे क्लोज होता है, रात 10 बजे। ये ट्रिप करनी कैसी है उसकी स्ट्रेटेजी बताता हूँ मैं आपको। पहले वाड़ी करेंगे हम, वाड़ी करते हैं पहले, उसके बाद हर सिद्धनाथ मंदिर, और उसके बाद ये बाड़ू मामा मंदिर मेन जो आदमापुर में है, और उसके बाद हम तो जा रहे हैं अभी उनके रियल जन्म स्थान पे अकोर में। वो अकोर में जाना है या नहीं वो आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन पहले हर सिद्धनाथ का दर्शन लेके यहाँ पे आए तो ऑन द वे अच्छा पड़ता है वो, है ना। और सीक्वेंस भी वैसे ही होना चाहिए टेक्निकली। हर सिद्धनाथ का जो हल है उसका मतलब होता है मिल्क, दूध। तो वो उसके ऊपर से उसका नाम हुआ, ऐसी एक आख्यायिका मैंने सुनी है। यहाँ पे दोनों ही जो है मतलब बाबू मामा टेम्पल और हर सिद्धनाथ टेम्पल दोनों ही अभी भी जागृत है ऐसा कहा जाता है। मतलब आप कभी वो सुनते हैं और आपको भी वैसे अनुभव आता है कि आपके ऊपर कोई ना कोई रिएक्शन आती है। हाँ। मतलब रिएक्ट करते हैं वो, ऐसा आपको अनुभव आता है, ऐसे यहाँ के लोग लोकल कहते हैं अभी। मतलब यहाँ पे अगर आप आओ तो पहले तो उसकी वाइब्स फील होती है। हाँ। दोनों टेम्पल्स में, और ऊपर से यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो तो आपको अलग अलग आख्यायिका बता ही देंगे।